हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस में डिलीटेड टॉपिक के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने लिया है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सेक्शन वन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दोनों ही टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं। इसके बाद में सेक्शन टू में आए, तो सेक्शन टू में है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, और दूसरा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दोस्तों, ये दो टॉपिक जो है केवल पीरियडिक टेस्ट में आएंगे, यानी आपके टीचर आपको बताएंगे इन दोनों में से कौन सा टॉपिक लिया है उन्होंने पीरियडिक टेस्ट के लिए। और जो है चैप्टर फाइव जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा पूरा ही डिलीट हो गया। ये पूरा डिलीटेड है, चैप्टर फाइव डिलीटेड है। चैप्टर थ्री और फोर में से केवल एक से पीरियडिक में आएगा, यानी हमारे पास केवल हिस्ट्री में दो चैप्टर बनते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और द नेशनलिज्म इन इंडिया। ये केवल दो चैप्टर। दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के जो सेक्शन लिखे हुए हैं, ये अब की बार जो नई बुक आई है उससे मैंने लिया है। अदरवाइज पुरानी बुक में सेक्शन वन में तीन चैप्टर हैं, सेक्शन टू में भी तीन तीन चैप्टर हैं, तो आप ये नई बुक से लिखे गए हैं, तो आप अपडेट रहिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं अब ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुआ है। तो देखें, चैप्टर नंबर वन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। और चैप्टर नंबर टू है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब आते हैं चैप्टर नंबर थ्री पे, वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज फुल डिलीटेड है, तो यानी कि इस ये पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है, केवल मैप वर्क इसमें है, कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन मैप वर्क जो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है ये रहेगा। अब चैप्टर फोर देखें, चैप्टर फोर में एग्रीकल्चर है, इसका भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ऐसे ही चैप्टर फाइव है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यह भी फुल डिलीट चैप्टर है, केवल इसमें मैप वर्क रहेगा। मतलब हुआ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के कहां कहां पे ये पाए जाते हैं उसका मैप वर्क ही केवल रहेगा, कोई भी टॉपिक या कोई भी थ्योरी नहीं होगी। देखें चैप्टर नंबर सिक्स में तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और चैप्टर नंबर सेवन है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। दोस्तों आइए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में। देखें दोस्तों, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर वन है डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर टू है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर थ्री है मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर फोर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर फाइव है कंज्यूमर राइट्स। तो दोस्तों जानिए कि ये पांचों चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कंज्यूमर राइट्स है ये केवल प्रोजेक्ट वर्क में ही आता है, इससे केवल प्रोजेक्ट ही आते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। चैप्टर फाइव कंज्यूमर राइट है, इससे केवल प्रोजेक्ट। देखें दोस्तों, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे तो यूनिट वन है पावर शेयरिंग, इससे कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ऐसे ही फेडरलिज्म है, ये भी इसका भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। और अब देखें यूनिट टू में तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरा डिलीटेड है। इसके बाद में चैप्टर फोर है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये भी डिलीटेड है। मतलब हुआ कि यूनिट टू पूरा पूरा डिलीट हो गया है। अब यूनिट थ्री की बात करें तो चैप्टर फाइव है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये टॉपिक भी ये चैप्टर भी पूरा पूरा डिलीट हो गया है। चैप्टर सिक्स देखें पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। अब आए यूनिट फोर पे, तो यूनिट फोर पे देखें तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी,
यानी इस पे भी कोई डिलीशन नहीं हुआ है, जबकि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर 8 है ये पूरा डिलीट हो गया है। इस तरीके से देखें तो 8 चैप्टर है और इसमें 50% पूरा पूरा डिलीट हो गया है, 50% डिलीट हुआ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। इसके बाद में देखें तो हिस्ट्री में केवल 40% आ रहे हैं, यानी 60% डिलीट हुआ है हिस्ट्री से। ज्योग्राफी में 60% आ रहा है, यानी 40% डिलीट हुआ है, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स से 80% आ रहा है। ओके दोस्तों।